Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर. इस गेम में हमारे पास एक अपना पर्सनल गैस स्टेशन है जिसके थ्रू हमें लोगों की गाड़ियों में फ्यूल डाल के पैसा कमाना है, गैस स्टेशन की सफाई करनी है, उसमें अपग्रेड्स करने हैं. ओवरऑल देखा जाए तो हमें एक पूरा का पूरा गैस स्टेशन कंट्रोल करना है. Okay, तो ये मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी में जिसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं रूट 66 हाईवे पर और जा रहे हैं एक गैस स्टेशन की तलाश में जिसे खरीद के हम लोग आज से अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं. वैसे यार क्या ही अमेजिंग इंट्रो है भाई इस गेम का, फुल साइबर पंक वाली फील आ रही है. वो भी कुछ इसी तरीके से डेजर्ट में स्टार्ट हुआ था. एक पुरानी कार थी हमारे पास और उस कार में एक प्यारा सा टॉय था विद गोल्ड चेन. वैसे सामने एक फोर सेल का बोर्ड है और ये एक गैस स्टेशन है. गाड़ी में ब्रेक मार दिया है, गाड़ी को रिवर्स पे पीछे लिया है, शायद हम लोग इसी गैस स्टेशन को खरीदने वाले हैं. लेट्स गो. गाड़ी अंदर आ चुकी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ द ओनर ऑफ डस्ट बाउल गैस स्टेशन. लेट्स गो. गैस स्टेशन अपने पास आ चुका है 12 hours later, बट वाई? ओके, मैं समझा. मैं आपको स्टोरी क्लियर करता हूँ थोड़ी सी. तो भाई देखो सीन कुछ ऐसा है, आप लोग मान लो कि हमें ना हमारे पेरेंट्स ने घर से बाहर भगा दिया है. वो कह रहे हैं कि भैया तुम पैसे वैसे कमाते नहीं हो, जाओ कुछ बिजनेस करो. इसलिए हम लोग गाड़ी लेके निकल गए हैं और अभी आ चुके हैं गैस स्टेशन पे जहाँ पर हमने उस गैस स्टेशन को खरीद लिया है. अब देखो पूरे दिन हमने रास्ते में ड्राइविंग करी है इस हाईवे पे, तो इसलिए आके रेस्ट कर लिया था, बट अभी रात हो चुकी है. हमें इस गैस स्टेशन का सेटअप करना है ताकि हम लोग कल से इस गैस स्टेशन को स्टार्ट करके पैसे कमा पाए. करंट टास्क, फिगर आउट हाउ टू एंटर द गैस स्टेशन. वेट, तो अभी हम लोग ना गैस स्टेशन के ऊपर वाले फ्लोर पर है. यहाँ अपना बेड है जिस पे हम लोग सो रहे थे, इस पे तो भाई मैट्रेस भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही गरीबी है यार अपनी. तो अभी मुझे सबसे पहले अपने रूम से निकल के गैस स्टेशन में जाना होगा, बट रूम से बाहर निकलने वाली जगह पे तो बहुत सारे गार्बेज बैग्स पड़े हुए हैं. मुझे उसे उठाकर जितना भी गंद है ना वो नीचे फेंकना है. वैसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि मैं उसे नीचे फेंकने की बजाय डायरेक्ट इस कूड़ेदान में डालूं ताकि कल जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी ना वो सारा कूड़ा ले जाए. क्योंकि एट द एंड यार ये पूरा का पूरा गैस स्टेशन अपना ही है, इसकी जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे अपने लिए उतना बेटर है. बट यार मुझे पता नहीं क्यों ये थोड़ा बहुत हॉरर गेम लग रहा है. चारों तरफ इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और अगर आप लोग साउंड मीन्स ईयरफोन पे ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा अजीबोगरीब सी आवाज़ आ रही है. तो यही है वो गैस स्टेशन जिसके अंदर हमें जाना है. बट एक बारी ना मैं आगे से देख कर आता हूँ कि आके ओ वेट, हाँ ये वही जगह है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ ला के खड़ी करेंगे और मैं इसमें से ये पाइप निकाल के उनकी कार वगैरह में फ्यूल भरूंगा. बट वेट, ऐसे कैसे चलेगा यार इतने ज़्यादा अंधेरे में, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ कहाँ पर है. मुझे कल सुबह होने से पहले सब कुछ ठीक करना है ताकि हम लोग पैसा कमाना स्टार्ट करें. तो यहाँ पर इस गेट पे, मतलब समझ रहे हो उस बंदे ने, जिस बंदे ने गैस स्टेशन बेचा है, इस गेट पे भी डोर नहीं लगा रखा है, ऐसे प्लैंक्स लगा रखे हैं ताकि कोई भी चोर वगैरह अंदर ना आए. बाकी हम लोग अंदर आ चुके हैं. पूरी गेम थोड़ा बहुत हॉरर क्यों हो रहा है भाई. हेलो वेट, नेक्स्ट टास्क है अपना फॉलो द हाई वोल्टेज केबल एंड फाइंड अ वे टू टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. ओ नाइस, अभी आया ना मस्ट वर्ड, यानी कि जो हाई वोल्टेज केबल है ना इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है. मैं नोटिस कर रहा था इसमें बार बार ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है. मुझे डर यही लग रहा था कि थोड़ी देर में बस यहाँ पर कोई ब्लास्ट ना हो जाए गैस स्टेशन में. बट ठीक है, इस वायर से शायद हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है. ये वायर यहाँ पर आ रही है और ये रहा बटन, मुझे इसे दबाना है और शायद अभी पूरे गैस स्टेशन में लाइट आ जानी चाहिए. लेट्स गो. वायर ऑन हुई है, दूर दूर तक क्या ही मस्त बिल्डिंग नजर आ रही है, सारी की सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं. और पिक अप द फोन एट द बूथ इन द फ्रंट ऑफ द स्टेशन. ओके, लेट्स गो. अभी मुझे वहाँ पर जाके कोई फ़ोन उठाना है, शायद उसमें कोई कॉल वगैरह आया होगा या फिर हमें कुछ बंदों को बुलाना पड़ेगा अपनी गैस स्टेशन को रिपेयर करवाने के लिए. यहाँ की भी लाइट जल गई है. वेट, बेल बज रही है. बाकी मेरे को एक बार आगे देख कर आना है. ये है वो हाईवे, आ जाओ सर गाड़ी ले आओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल हमारे पे भर के है बिल्कुल. बाकी मेरा काम फोन उठाना है, पहले फोन उठाते हैं. Congratulations on your purchase and investment, little Thank nephew. You so much.
It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? चुप रह निकल यहाँ से। भाई साहब एकदम नींद में बात कर रहा है मेरे से वो। बाकी ठीक है, अपने नेक्स्ट टास्क आ गया, इसलिए मेरे को उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, रीड ऑल द ईमेल्स ऑन द कंप्यूटर। ओके, तो अपना ये जो गैस स्टेशन का मेन ऑफिस है, इसमें कंप्यूटर है जिसके अंदर हमें सारी की सारी ईमेल्स रीड करनी है। ये है फर्स्ट ईमेल। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो वैसे कुछ खास ईमेल नहीं है, सब लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा गैस स्टेशन खरीद लिया है, पर उनको पता नहीं है कि गैस स्टेशन बस साइज में ही बड़ा है। मतलब ये पूरा का पूरा वहां से लेकर पीछे तक हमारा एक गैस स्टेशन है, और कितनी ज्यादा मस्त जगह पे है ना ये। ऊपर से एकदम मस्त प्लेन वगैरह भी जा रहे हैं, थोड़ी वो जीटे वाली फील आ रही है। गेट इन टू द मिनी एक्सकेवेटर। ओके, तो हमें मिनी एक्सकेवेटर चलानी है, और इससे करना क्या है? रिमूव द सैंड पाइल्स इन फ्रंट ऑफ द गैस पंप। हाँ, मैंने नोटिस किया था, मुझे यार इस एक्सकेवेटर के थ्रू ना वो सारी की सारी मिट्टी हटानी थी, जो जहाँ जहाँ पर ऐसे सैंड पड़ी हुई है ना, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि जो भी गाड़ी हमारे गैस स्टेशन पे फ्यूल भरवाने आएगी ना, उसको प्रॉब्लम होगी। बट अभी दिक्कत क्या हुई है कि उसमें फ्यूल ही नहीं था, तो अभी मुझे फ्यूल लेकर आना है। फाइंड अ वे टू रिफ्यूल रूडी। वैसे रूडी उसी एक्सकेवेटर का ऐसे निक नेम है आप कह सकते हो, बट हाँ वो गाड़ी उस काम की है। हमें यहाँ से एक जैरी कैन मिल गया है, तो अभी मुझे इस जैरी कैन में फ्यूल भरना है, बट ये तो ऑलरेडी खुद ही खाली पड़ा हुआ है, तो मुझे इसे भरने के लिए कहाँ जाना है? यार मुझे ना ये जैरी कैन एम्प्टी दिखा रहा है, तो पहले मुझे इसको यहाँ से भरना होगा। तो अपना जैरी कैन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसमें से भी मुझे फ्यूल मिल चुका है। अब इस फ्यूल को मुझे अपनी र्यूडी में, मीन्स अपनी एक्सकेवेटर में डालना होगा कुछ इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसमें बैठना नहीं है। उतरो उतरो उतरो, पहले मेरे को थोड़े से भी कंट्रोल्स पे ना फटाफट हाथ बैठाना होगा, कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है। लेट्स गो। अभी र्यूडी में फ्यूल भर चुका है, अब मुझे इसके अंदर बैठना है, और ये स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर सामने जितनी भी मिट्टी पड़ी थी ना, वो सारी की सारी मिट्टी मुझे, भाई ऐसे प्लेन जा रहा है अपने गैस स्टेशन के एकदम टॉप पे से, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। वैसे काम करते करते ना सुबह हो चुकी है और पता भी नहीं चला बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ से मुझे बहुत सारी मिट्टी उठा के साइड करनी है, ताकि अपनी दुकान पे, मीन्स अपने गैस स्टेशन पे कस्टमर आना स्टार्ट हो। हम लोगों ने इतना काम तो कर दिया है, गैस स्टेशन स्टार्ट हो गया है, बस ये सैंड हटाते ही काम शुरू। ओके, तो मैं अपना मिनी एक्सकेवेटर लेकर इस सैंड तक पहुंच चुका हूं, और मुझे सारी की सारी सैंड अभी इसमें भरनी है। वेट, अभी ये भरना स्टार्ट हो गई, और अभी मुझे इस सैंड को, ओ वेट भाई, एक बार ये आप लोग इसके एग्जॉस्ट में देखो किस तरीके से भाई आग निकल रही है। रुक जाओ, मुझे शायद इसे थोड़ा होल्ड कर करके चलाना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। हाँ, तो अभी मुझे इस मिट्टी को यहाँ पर लाकर इस गड्ढे में, इस डिग में फेंक देना। रुको रुको रुको, मैं फेंकूँगा आराम से। लेट्स गो। सारी की सारी मिट्टी नीचे गिरा दी, और पूरा का पूरा ट्रक अपना अंदर ना चले जाए। हाँ, तो अपनी यहाँ पर जो सैंड थी वो मैंने हटा दिया। ओपन द गैस स्टेशन फॉर कस्टमर्स, मैंने कहा था ना इसके बाद अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अपनी गाड़ी को हम लोग ना यहीं पर साइड में खड़ी करते हैं, और अभी मुझे यहाँ पर जाकर गैस स्टेशन का जो स्टेटस है ना, उसे क्लोज्ड की जगह ओपन करना होगा, क्योंकि अभी जो बंदे आना चाह रहे हैं ना, वो दूर से देख के ही मुड़ जा रहे होंगे कि नहीं भैया ये तो बंद पड़ा है, यहाँ पर क्या ही गैस होगी। बट अभी हमने इसे ओपन कर दिया है, अब देखते हैं यहाँ पर कोई आता है या फिर नहीं। हाँ, तो मैं वैसे जब चाहूँ तब इसे क्लोज ओपन कर सकता हूँ, ठीक है मैं समझ गया, बट वैसे मैं हमेशा से ओपन ही रखूंगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है ऐसे। वैसे अभी गैस स्टेशन के ना थोड़ी बहुत, रीफिल योर फ्यूल सप्लाइज यूजिंग द पीसी। ओ वेट, यानी कि इसके अंदर भी फ्यूल अभी नहीं है। वैसे तो देखो जमीन में फिल होता है बहुत सारा, और कहीं ना कहीं से वो अंडरग्राउंड ही कनेक्ट रहता है किसी टैंक से, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी फ्यूल ख़त्म है, तो हमें उसके अंदर भी पहले रीफिल करवाना है। कोई कस्टमर आ मत जाना भाई, मतलब आ जाना, बट थोड़ा रुक के वो रीफिल हो जाए, मुझे पता नहीं है। हाँ, तो अभी मुझे इसे रीफिल करवाने के लिए यहाँ से डिलीवरी पे जाना है, एंड फ्यूल सप्लाई पे जाके ऑर्डर करना है। कितना कर सकते हैं हम लोग? 100 यूनिट्स, ठीक है हमारे पास पैसा है, हमने कर दिया। बट वो रीफिल हो गया क्या, मुझे पता नहीं है। मेरे कुछ, वेट, यहाँ पर जाने के लिए कह रहा है। टेस्ट योर स्किल्स ऑन एरकेड व्हाइल यू वेटिंग फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट। मुझे यार एरकेड खेलने का तो वैसे भी बिल्कुल भी मन नहीं है, बट ये किस टाइप का एरकेड है, एक आइडिया लग जाएगा। उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे
क्या है भाई, हट तेरी फालतू। अच्छा गाइस, तो अब मैं समझा, ये लोग कह रहे हैं कि जब तक वो फ्यूल भरने वाली गाड़ी आ रही है ना, तब तक तुम जाके एयरकेट पे गेम भी खेल सकते हो थोड़ी देर। वैसे कोई इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, और वैसे भी वो गाड़ी यहाँ पर आ गई है अपने फ्यूल स्टेशन, मतलब कि गैस स्टेशन में फ्यूल भरने के लिए। ले चलो भाई साहब आगे ले चलो। पता नहीं, मुझे तो खुद आइडिया नहीं है कि आखिरकार फ्यूल भरता कहाँ पर है। इसको ज्यादा पता होगा, इसका यहाँ पर आना जाना है। ओ वेट, शायद यहीं पर फ्यूल भरने वाला, यही तो है टैंक। लगा दो भाई, लगा दो, लगा दो। लेट्स गो, बंदा आया है भाई प्रॉपर पूरा। मुझे लग रहा था कि वहीं से हो जाएगा सब कुछ, बट यहाँ पर तो एक बंदा आया है, और देखते हैं क्या कर रहा है। इसने यहाँ पर भर भाई, ओ वेट, इसने पाइप लगा दिया है, एंड शायद से ये जो व्हील है मुझे इसे घुमाना है क्या। लेट्स गो, अभी फ्यूल पूरा भर दे भाई, एक ही बार में पूरा भर दे, जितना पैसा तेरे को चाहिए हम देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी गाड़ी कौन सी लेकर आया यार, ऐसी गाड़ियों में थोड़ी फ्यूल आता है यार हमारे यहाँ। पता नहीं कुछ ज्यादा पुरानी गाड़ी लेकर आए। चल चल, रैपटा ही पड़ेगा, निकल लो चुपचाप। थैंक्स, लेट्स गो। फ्यूल भर चुका है, बट अभी तक अपनी दुकान पे कोई कस्टमर आया है? आया है, आया है, कोई तो आया है। हेलो अंकल, हेलो, कितने का फ्यूल? रुक जाओ, मेरे को चेक करना होगा पहले। शायद मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट फिल करूँगा, मेरे को फ्यूल कैसे भरना है भाई, सब कुछ हो गया, मेरे को इसकी गाड़ी में फ्यूल भरना नहीं आता। वेट, मैं चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं खुद, मेरे को नहीं आता। लेट्स गो, यहाँ पर शायद इसे फिल करना है। ओ वेट, मैं समझ गया। तो ये जो आप मीटर देख पा रहे हो ना, हमें यहाँ तक इसमें फ्यूल भरना बस, बहुत है, हो गया। ओ थैंक यू सो मच भाई, हो गया। उसने भी अपनी तरफ से एकदम ओके कह दिया कि फ्यूल भर गया है। अब निकल, इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये, जल्दी जा। बाकी यार अभी ना हमें अपना गैस स्टेशन पूरा साफ करना होगा। देख रहे हो अंदर कितनी ज्यादा गंदगी मची हुई है, पूरे में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है यार। तो अभी अपने यहाँ पर एक गाड़ी और आ चुके हैं, यहाँ पर ये आंटी जी अपनी कार लेकर आई हैं। फटाफट से इनकी भी कार के अंदर हम लोग फ्यूल फिल कर देते हैं। भाई सही में हाईवे पे एक गैस स्टेशन होने के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, बहुत ज्यादा ही कस्टमर आते हैं और बहुत ज्यादा फ्यूल फिल करवाते हैं। लेट्स गो, फ्यूल भर चुका। मैंने गलती से थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल डाल दिया यार, और पैसे दे। खैर इसमें गलती मेरी थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय अ ट्रैश बैग एंड इक्विपमेंट। अच्छा हाँ, यहाँ पर अपनी गैस स्टेशन में भी जितना भी ये गंदगी मची हुई है ना, हमें इसे साफ वाफ करने के लिए कुछ ट्रैश बैग्स खरीदने होंगे। तो हम लोग चलते हैं टूल्स में और यहाँ पर ट्रैश बैग खरीद लेते हैं। ऑल राइट, तो ट्रैश बैग मैंने खरीद लिया है। अब इस ट्रैश बैग के थ्रू मुझे बहुत सारा जो जो सामान मुझे फेंकना है ना, वो सारा का सारा कूड़ा मुझे उठाकर इसके अंदर भरना होगा एक एक करके। भाई सही में साफ सफाई वाला काम भी थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है इस गेम में, एक एक सामान उठा के भरना पड़ रहा है। ये वाला बैग अपना भर गया, और वो ना, ओ भाई कितना सही है, देखो जैसे हम लोग बहुत सारा कूड़ा उठा ले रहे हैं ना, तो एक बैग ऑटोमेटिकली भर के नीचे गिर जा रहा है, और तुरंत ही दूसरे बैग में कूड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर भी हम लोग फिल कर देते हैं, और हो गया सब कुछ मेरे हिसाब से। इस वाले डस्टबिन में भी पता नहीं कितनी सारी बॉटल्स पड़ी हुई है। वैसे हमने सब कुछ उठा के पॉली बैग्स में कर दिया है, अब मुझे इसे ले जाके इन डस्टबिन में डालना पड़ेगा। पहले तो 1, 2, और मैंने इसे दूर से भी फेंक सकता हूँ, ये देखो, मतलब अगर दूर हूं मैं तो मैं इसे यूं थ्रो कर सकता हूँ, और वो भी गया उसमें। लेट्स गो गाइस, पहले मैं सोच रहा था कि आखिर ये सब बड़ा सामान कैसे जाएगा, तो हम लोग भी इसे उठा के ऐसे ले जा सकते हैं और यूं फेंक सकते हैं। सफाई करते करते शाम होने को आ गई है, लेकिन कूड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना सब कुछ मैंने फेंक दिया है। वैसे वो सब छोड़ो, अपनी दुकान पे मीन्स अपने गैस स्टेशन पे कस्टमर आया हुआ है। वेट, मैं फ्यूल फिल कर रहा हूँ, एटलीस्ट आवाज तो लगा देते, मैं अपना आराम से अंदर लगा पड़ा हूँ। हाँ तो ठीक है, इसको फ्यूल ना, बस एकदम करेक्ट गया है, ठीक है ना। लेट्स गो, चलो फटाफट निकल लो भाई। सही है, बहुत सिंपल काम है। तो ओके गाइस, तो अभी ना मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें अपने गैस स्टेशन से निकाल के इस गार्बेज की बॉक्स में लाके भर दिया अच्छे से, और अभी ना बाहर कोई बहुत तेज आवाज आई, पता नहीं शायद ऐसा लगा जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, रात का टाइम हुआ है और ऑटोमेटिकली सारी की सारी लाइट जली है, तो शायद से वो उसी चीज़ का साउंड था। बाकी यहाँ सब कुछ हो चुका है, अभी मुझे ना एक ब्रूम बाय करना है, शायद अपने फ्लोर को साफ करने के लिए। तो मुझे वो बाय करने के लिए अपने कंप्यूटर में जाना है, क्योंकि हम लोग उसे ऑनलाइन बुक करने वाले हैं टूल्स, एंड ये मैंने परचेज कर लिया यहाँ से ब्रूम। अब हम लोग इस ब्रूम के थ्रू अपने इस जगह का मीन्स अपने गैस स्टेशन का फ्लोर साफ करने वाले हैं। बाकी कोई कस्टमर छोड़ो, सामने से एक पुलिस वालों की गाड़ी आई है, बट वो शायद से अपने गैस स्टेशन पे नहीं आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, मैं डरने की क्या बात है भाई, पुलिस वालों की गाड़ी में भी फ्यूल भर देंगे, क्या दिक्कत है। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन जो साफ हो रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त सेटिस्फैक्शन से आ रही है भाई। ये देखो कैसे ऐसा लग रहा है, कितने गंदे पैर यहाँ पर आ गए थे,
बट सारी डस्ट अभी साफ होते जा रही है। ओके गाइस, तो अभी ना मैंने ये पूरा का पूरा फ्लोर यहाँ पे एकदम मस्त चमका दिया है और अभी बिल्कुल भी गंदगी नहीं बची अपने इस गैस स्टेशन में। बट हाँ, एक ये सबसे बड़ी गंदगी भाई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई एक वॉल पूरी टूट के गिर गई हो। पता नहीं ये कैसे फिक्स होने वाला है। बाकी ये इतना बड़ा यहाँ पर घंटी सी लगी हुई है, ये हटानी चाहिए क्या? ऑर्डर गार्बेज कलेक्शन यूजिंग अ कंप्यूटर। ओ वेट, तो अभी मुझे वो गाड़ी बुलानी पड़ेगी जो कि कूड़ा लेकर जाती है। वैसे हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा भर जो चुका है। लेट्स गो, ऑर्डर मैंने कर दिया है। और सामने ये कौन सा बच्चा है? वेट, हेलो, अबे ये क्या कर रहा है? ओ, इसने एक स्टिंक बॉम्ब डाल दिया यहाँ पे। यार ये बच्चा हमारे गैस स्टेशन को खराब कर रहा है। वेट भाई, ये परेशान करने के वाला है यहाँ पे। हेलो, मैं इसे पकड़ ही नहीं सकता किसी तरीके से भाई, पता नहीं क्या है। फक, निकल यहाँ से, मैं इसे मार भी नहीं पा रहा है यार। कोई ऐसे कूड़े की थैली फेंक के मारता है भाई किसी के ऊपर। भाग गया वो बच्चा, निकल जाए यहाँ से, ये भी ले जा कूड़ा। तो वो गाड़ी यहाँ पर लाकर उसने खड़ी कर दिया और शायद से ये सारा का सारा कूड़ा इसमें से निकाल के अब इसमें भरने वाला है। जल्दी करो अंकल। अरे आपने तो चुटकियों में कर दिया, ये वाली, ये तो रह गया, ये भी लेके जाओ। सॉरी, ये ओए बॉडी दिखाएगा, चुपचाप खड़े भाई, ये बॉडी दिखा रहा, रुक जा। हाँ, लेती रही ऐसी की तैसी। ये भी लेके जाइयो, ठीक है ना, यहाँ पे खाली नहीं पड़ा होना चाहिए। भाई इसने सब कुछ तो उठा लिया, पता नहीं ये दो बैग्स क्यों छोड़ दिए हैं, शायद इसकी लिमिट से बाहर हो गया था। बाकी हाँ, इसका जो ट्रक है वो पूरा का पूरा भर चुका है। मुझे ना गाइस अभी इन वॉल्स पे पेंट करना होगा, क्योंकि वो जो शरारती बच्चा आया था ना, उसने इस वॉल पे उल्टा सीधा स्प्रे कर दिया है। तो फटाफट एक रोलर परचेस करते हैं और अपनी वॉल पे हम लोग पेंट भी करना स्टार्ट करते हैं। पेंट रोलर मैंने परचेस कर लिया है, इसमें कलर कौन सा है मुझे ये पता करना होगा पहले। वेट, हाँ ये रहा अपना रोलर, और इसके थ्रू हमें पेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो कलर है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा वॉल पे पेंट करने के लिए। हाँ, तो हम लोग ये वाली वॉल पे पहले पेंट करते हैं यहाँ से। और पेंट करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से इसमें एक चीज़ बैलेंस करनी है, व्हील बैलेंस करना है और पेंट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। ये काफ़ी सही है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना देखते ही देखते पूरा का पूरा गैस स्टेशन भी पेंट हो चुका है। बट अभी ना अपने गैस स्टेशन पे 2-3 कस्टमर आए हुए हैं, मुझे जल्दी से जाके उनसे भी बात करनी होगी। बट वेट, यहाँ पर जो कलर्स हैं ना, वो मैंने वाइट करे हैं, मेरे पास 3-4 कलर के ऑप्शन है। खैर वो सब छोड़ो, ये जो गार्बेज वाला बंदा आया था, ये जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से? तू जा ना, कूड़ा ले तो लिया तूने। हाँ ठीक है, अभी मुझे खैर उसके पास चलना है। ये यहाँ पर भाई सब जाए, रुको मैं डाल रहा हूँ फ्यूल। भाई 2-3 बंदे आए थे, वो चले गए क्या? पता नहीं शायद वो, वेट डाल रहा हूँ, सॉरी गलती से कैंसिल हुआ है, रुक जा। वो चिल्ला रहा है, अबे जा रहा है, गलती से हुआ था भाई, उसकी गाड़ी में बिल्कुल फ्यूल ही नहीं गया, वो गुस्से में आ गया। अबे बंद हो जाएगी अभी, आगे जाके जा भाड़ में जा, निकले यहाँ से। गलती से कैंसिल हो गया भाई, गाड़ी लेके जा रहा है खुंदक में। बाकी यहाँ पर एक लॉक पिक है, इस लॉक पिक के थ्रू शायद हमें और टास्क कंप्लीट करने हैं। बाकी ये जो गैस स्टेशन आप देख, वो फ्रंट साइड ध्यान ही नहीं आई, मैं बस पीछे पेंट करता हुआ चला गया और यहाँ से तो एकदम चमका दिया भाई, बट फ्रंट साइड रह गई, वो भी करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैंने अपनी गैस स्टेशन में पेंट करके इसे पूरा का पूरा चमका दिया है। बाकी यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की कार आई है, शायद से फ्यूल भरवाने आया है यहाँ पे। वेट रुक जाओ, मैं इसकी भी गाड़ी में ना फटाफट से पहले फ्यूल डाल देता हूँ, रुक जाओ। हाँ वेट भाई साहब, ये देखो अभी पुलिस वाले की गाड़ी आई है और अपना फ्यूल खत्म हो चुका है। सर 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 2 मिनट रुक जाओ, मैं ऑर्डर करके आ रहा हूँ। अबे यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 2-3 कस्टमर ना ऐसे ही वापस चले गए, मुझे लग रहा था मैंने गलती से क्लिक कर दिया है। बट प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूल ही खत्म हो चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी अभी ना 200 लीटर, नहीं यार मेरे को भी 100 लीटर ऑर्डर करना होगा, क्योंकि अपने पास कैपेसिटी ही नहीं है 200 लीटर रखने की। पता नहीं सर वो थोड़ी देर में आता होगा, जब तक वेट कर लो, पेंट वगैरह भी चल ही रहा है यहाँ पर। हाँ तो मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा क्रीम कलर का पेंट करा है और राइट साइड में वाइट पेंट करा है, इन दोनों में से कौन सा बेटर लग रहा है मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। बाकी यहाँ फ्रंट साइड की बारी है, तो मैं सोच रहा हूँ फ्रंट साइड पे हम लोग वाइट पेंट कर देते हैं। सर आप पेंटिंग देख लो भाई, पुलिस वाला फ्यूल भरवाने आया, उसको बेचारे को वेट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब थोड़ी देर में गाड़ी आती होगी, लेट्स गो। अभी अपना गैस स्टेशन पूरा का पूरा एकदम मस्त रंगीन तो नहीं हुआ, बट हाँ एकदम नई वाली लुक आ चुकी है। बाकी थोड़ा बहुत पुराना इन सब चीज़ों की वजह से लग रहा है, ये मुझे निकाल के ना यहाँ से सारी की सारी फेंकनी होगी, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं इनका पहली बात तो कोई यूज़ ही नहीं है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा पुरानी भी होगी है, जिस वजह से गैस स्टेशन गंदा लग रहा है। मुझे पहले ना पता करना होगा कि आखिरकार वो जो फ्यूल वाली गाड़ी है ना, ओ वेट वो आ गई, बस वो आई गई।
तो अभी बस ये वहां पर ले जाके अपनी गाड़ी अंदर खड़ी करेगा, फिर हमें पूरा का पूरा टैंक भरना है, फिर इसकी गाड़ी में फ्यूल भरना है। रुक जाओ सर, बस दो मिनट मैं आ रहा हूँ। भाई वो तो बहुत अच्छी बात है कि इनकी सर्विस इतनी बढ़िया है, वरना पता नहीं कितना ही टाइम लग जाता है यहाँ पर गाड़ी भरवाने में। अबे ओ वेट, अबे हेलो, तू कल रात का आया हुआ है, कूड़ा लेके जा नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत होगी भाई इसको? भाई पता नहीं क्या ले ले, मैं नहीं ले जाना भाई, ये नहीं बेचना। भाई पता नहीं यार इस बंदे का क्या सीन है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी हाँ, मुझे इसे घुमाना पड़ेगा व्हील को, ताकि फटाफट से एटलीस्ट फ्यूल तो भरे अपने पूरे के पूरे गैस स्टेशन के टैंक में। ओके, तो इस टैंक से, इस टैंक में फ्यूल भर गया है। अभी जल्दी से हम लोग पुलिस ऑफिसर के पास चलते हैं, पता चला हमें उठा के वो जेल में ही डाल देंगे। चल भाई, खाली पीली पागल बना रहा है, उल्टा सीधा काम करके, लेट्स गो फटाफट से। इसके में एक्स्ट्रा फ्यूल जाएगा भाई, ऐसे कैसे, ये ले मेरी तरफ से एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाओ। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ी दिनों बाद ही आना अब यहाँ पर, ठीक है? लेट्स गो, सब कुछ एकदम ओके। बट ये जो जगह है ना, यहाँ पर अपने सारे पिलर्स मुझे ठीक करने यार, इन पे बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रखा है। बट यार वो हॉर्न बजा रहा है पीछे, वो कूड़े वाला आया हुआ है अपनी गाड़ी लेके, लेकिन ले जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं ले जा रहा वो। रुक जा, मैं सॉर्ट कराता हूँ प्रॉब्लम तेरी। तू जा रहा है, नहीं जा रहा, तेरी उसकी गाड़ी पलट दी। अबे यार, अबे भाई क्या चल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, पता नहीं इनका क्या चल रहा है, बट हाँ जो भी है, फ्यूल वाले ने इसकी गाड़ी को पलट के साइड कर दिया और वो अपना गाड़ी लेके यहाँ से जा चुका है। बाकी मुझे ना इसका कैबिनेट खोलना था, शायद इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुक जाओ, मुझे इसे खोलने के लिए क्या करना होगा, प्रेस ए ओ डी टू मूव द लॉक पिक। ओ लेट्स गो, यानी अभी हम लोग एक लॉक पिक से गाड़ी का लॉक तोड़ के उसे ओपन करने वाले हैं। होल्ड स्पेस बार इफ द लॉक पिक इज ऑन द राइट पोजीशन। राइट साइड या राइट पोजीशन, इसकी राइट पोजीशन क्या होगी, मुझे तो ये भी कोई आइडिया नहीं है। हाँ नहीं, नहीं हो रहा, वेट मैं इसे घुमा घुमा के ट्राई करता हूँ, शायद किसी, ओ हुआ हुआ, लेट्स गो, ये ओपन हो चुका है। और अभी कैबिनेट हो गया क्या ओपन, पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया। कांट बी ओपन, पता नहीं यार क्या ही सीन है, शायद इसे खोलना बहुत ज्यादा ही हार्ड है। हैंग द डस्ट बाउल पेंटिंग इनसाइड द गैस स्टेशन। हाँ ठीक है, मुझे पता है अंदर से तो बहुत ज्यादा गंदा है, पेंटिंग इसमें अंदर भी करनी पड़ेगी। वेट सर, मैं आपकी गाड़ी में पहले फ्यूल डाल दूँ, दो मिनट आप वेट करिए। ये लो, थोड़ा सा कम फ्यूल डालू चलेगा? भाई वो भर गया भाई, जरा सा फ्यूल लेने आया था क्या? बस यार, बस आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अपने गैस स्टेशन पे एक कस्टमर और आया है, वेट और आई है, इसकी भी गाड़ी में हम लोग फ्यूल भर के इसको यहाँ से भेजते हैं। और अभी अपने गैस स्टेशन को ना मैं बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने गैस स्टेशन में बहुत ज़्यादा काम करना है, अंदर पेंट करना है, सारा कूड़ा करकट साफ करना है, और मुझे सोने भी तो जाना है ना। तो चलो भाई, अपना गैस स्टेशन अब बंद हो चुका है, कोई भी अपनी गैस स्टेशन में फ्यूल भरवाने नहीं आएगा। काफ़ी सारी मेल्स आई हैं, 10 मेल आ गई हैं जो कि मुझे चेक करनी है, पता नहीं क्या सीन है। बाकी यहाँ अभी हम लोग चल के सोते हैं, तो तू नहीं जाएगा ना, तो एक और खा तू, यहाँ से निकल लियो बुड्ढे रात में, ठीक है ना? भाई पता नहीं क्या है, जब से आया तब से यही खड़ा हुआ है, जाने का भी नहीं नाम ले रहा है। ओके गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी डाले, तो लाइक गोल कंप्लीट कर देना। बाकी जो भी चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि मुझे अपने गैस स्टेशन पे कौन सा कलर करना चाहिए। बाकी यहाँ आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।